में अनाज की दुकान पर पुलिस ने दबिश देते हुए लाखों के पीडीएस चावल की हीरा फेरी पकड़ लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि व्यापारी गरीबों में बांटे जाने वाले चावल को दूसरी बोरियों में भरकर हेराफेरी करता है और साथ ही गरीबों के इस अनाज को महाराष्ट्र के गोंदिया भेजा जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो वाहनों को जब्त किया है जिसमें 29 टन चावल था, जिसके बाद आरोपी के गोदाम में भी छापेमारी की गई जहां 30 टन पीडीएस चावल की जमाखोरी की गई थी। पुलिस ने मौके पर पकड़े गए दोनों वाहनों के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को जब्त कर लिया है। चावल है खंडनवाल करके, किशन खंडनवाल करके, उसके गोडाउन से लोड किया गया था। उस तौर पर विस्तृत पूछताछ किया गया। पूछताछ के कथन में ये भी बात सामने आई कि उसके गोडाउन में भी माल और पड़ा हुआ है। तत्काल मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर खाद्य विभाग को संपर्क किया। खाद्य विभाग के अधिकारी आया और उसके साथ मिलकर के पुनः रेड किया गया वहाँ गोडाउन में। तो गोडाउन में 30 टन जो पीडीएस का चावल है और पृथक से मिला, जिसकी विधिवत जब्ती कर कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर पहुंच